नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। 1.5 साल के बच्चे ने अपनी माँ के साथ खेलते हुए ग्लोब को लेकर यह दुनिया है। अगले 6 महीने में उसने दुनिया के नक्शे में वह सब खोज डाला जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। क्या लिए हो आप? दुनिया। क्या है? दुनिया। दुनिया है? कहाँ है दुनिया? अच्छा। अच्छी है? कहाँ है? अच्छी। कहाँ है? अच्छी। है कहाँ दुनिया? कहाँ है दुनिया? कहाँ है? अरे वाह, ये क्या है? दुनिया। हाँ। पंखा। ये कौन सा है? बुलेट। तेज से बोलिए, कौन सा है? बुलेट। ये कौन सा है? आयरन। ये कौन सा है? चक्रवात। वेरी गुड। ये कौन सा है? चीतल। ये कौन सा है? पक्षी। कौन सा बताएं? पक्षी। ये कौन सा है? चकोर। कौन सा? ये कौन सा है? क्या? और तेज बोलिए। ये कौन सा है? 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 तेज से बोलिए। वेरी गुड। बताओ देवी, ये चुनू बंगाल है। ये कौन सा है? ये तो आंध्रा है। ये कौन सा है? ये तो बिहार है। ये तो बिहार है। ये कौन सा है? ये तो छत्तीसगढ़ है। ये तो तमिलनाडु है। ये तो मणिपुर है। ये तो हिमाचल है। ये तो कर्नाटक है। ये तो सिक्किम है। ये तो उड़ीसा है। ये तो यूपी है। ये तो हरियाणा है। ये अंकुर जी पीछे आए फोन। ये तो उत्तराखंड। ये हाँ था। ये तो तेलंगाना। ये तो महाराष्ट्र है। ये तो पंजाब है। ये तो त्रिपुरा है। कौन सा है? ये तो त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा है। ये तो मणिपुर। ये तो झारखंड। ये तो नागालैंड। ये तो मेघालय। ये तो मेघालय। ये कौन सा है? ये तो अरुणाचल। ये तो हम्पी है। ये तो मुझे नहीं पता। ए बताओ जल्दी। अच्छा देखो कौन सा है? तो चकवा है। मैं मौजूद हूँ एक छोटे से बालक के पास आज, खास तौर से 2.5 साल के एक बालक से बात करने के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम अभिराज है। अभिराज, जैसा कि आपने सुना, ये एक मामूली बात नहीं है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, रीवा का एक बालक है, बचपन से ही जब छोटा था विलक्षण प्रतिभा नजर आने लगी थी। जो चीज एक बार बताओ दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे देश प्रदेश के नक्शे आप दिखाइए, आपको बता देगा, जैसा कि हम आपको थोड़ी देर बाद वो चीज भी दिखाएंगे। साफ तौर से आपने जिस नक्शे पे हाथ रखा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, अभिराज बता देते हैं ये कौन सी जगह है। साथ ही पिता एयरफोर्स में है, इसलिए एयरफोर्स हवा में उड़ने वाले जितने भी जहाज हैं उनके बारे में भी सब नाम मालूम है। हमारे साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है, उनकी माताजी मौजूद है अभिराज की। मैं पहले उन्हीं से बात करूंगा। कब से आपको नजर आया कि आपका बेटा प्रतिभाशाली है? सर, जब ये 1.5 साल का था तब से ये ग्लोब को देखकर ग्लोब खेलता था और कहता था मम्मा दुनिया अच्छी अच्छी। तो फिर उसमें उसको इंडिया बताया, वो इंडिया जब भी पूछे बेटा इंडिया कहाँ ही नहीं रख देता था, तभी बोल भी नहीं पाता था तभी इंडिया बता देता था। तो हम लोग को लगा कि इसको बताना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग बताने लगे, जो बता देते थे नेक्स्ट डे इसको सब याद रहता था। तो
तो हम लोग हर दिन कुछ नया बताते थे और ये कवर करता गया। अब ऐसा है कि सारा स्टेट बस रख दे इसके सामने सब बता देता है। स्टेट की बात हुई, आप लोग एयरफोर्स जहाज के आसपास रहते हैं तो उनके बारे में भी पूरे जहाजों के नाम, सारे जहाजों के नाम, इसको इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि जो भी निकला मम्मा ये कौन सा निकला है ये कैसा है, सारे मतलब एयरफोर्स के सारे जहाज इसको दिखा दो सभी बता देता है कौन से है क्या है। सारे जहाज बता देते हैं, प्रदेश के नाम बता देते हैं। मौसी भी है हमारे साथ, मौसी जी, अभिराज की मौसी जी, बताइए कैसा लगा जब आपको ये लगा कि इनको इतनी प्रतिभा है, इस तरीके से सारी जो है कैसा लगता है? सब लोग को इतनी ज्यादा खुशी हुई थी, स्पेशली इसकी जो ऑब्जर्विंग पावर है दैट इज अनबिलीवेबल, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जैसे छोटे बच्चों का वैसे भी कहा जाता है दिमाग काफी कैचिंग होता है, वो कुछ भी देख ले उसको एक बार में याद हो जाता है, कोई भी शेप हो, कोई नाम हो, कोई जैसे हम लोग इंडिया के मैप में प्रदेश के अलग अलग मैप्स रहते हैं, वो इवन वो उसके बाउंड्रीज से उसको याद कर लिया, तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल टाइप की हॉबी है। अनबिलीवेबल, कल्पना ही नहीं की जा सकती। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम पूरा परिवार अविराज का यहाँ पर मौजूद था, साफ तौर से उनका कहना था बचपन में ही जब ग्लोब पहली बार हाथ में पकड़ाया तो उसने पहले शब्द बोले थे दुनिया, उसके बाद भारत के नक्शे के बारे में उसको बताया गया, उसने तुरंत ग्लोब में पहचान लिया। धीरे धीरे जैसा कि आपने देखा लगातार बातचीत में भी समझ में आया प्रतिभा किस मोहताज नहीं होती, बड़ा उदाहरण अविराज के रूप में हमारे सामने है। मेरा एक अंतिम सवाल, कौन सा इनको पुरस्कार अभी तक मिला है, कहां भेजा था आपने नॉमिनेशन? इनका नाम हमने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा था। गिनीज में और गिनीज इनकम एज लिमिट है उसमें 13-14 साल के बाद ही भेज सकते हैं, तो वहां भी हम लोगों ने भेजा था तो उन्होंने बताया कि यहां पे एज लिमिट है, आप इसके बाद आप यहां पे आ सकते हो। गिनीज और लिम्का के लिए भी बात हुई थी लेकिन वहां एज लिमिट है, 13 साल से ऊपर के लोगों के ही रिकॉर्ड वो लोग संग्रहित करते हैं इसलिए वहां नहीं भेजा। हालांकि 13 साल की उम्र में अविराज क्या कुछ करेंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन 2.5 साल की उम्र में वो जो कर रहे हैं ये अपने आप में अकल्पनीय है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।